Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. So, in this video, we are going to study about homomorphism of modules. So, let's start with its definition. Let M and H be two R modules. M and H jo hai pe, wo kya hai modules over a ring R. A mapping T, which is a mapping from M to H is called R module homomorphism if and only if these two conditions are satisfied. First one is टी ऑफ एम वन प्लस एम टू इज़ इक्वल टू टी ऑफ एम वन प्लस टी ऑफ एम टू सेकेंड वन इज टी ऑफ आर इन टू एम इज़ इक्वल टू आर इन टू टी ऑफ एम यहाँ पे आर जो है वो क्या है स्केल आर है राइट इन अब कंडीशन मीन्स ये वाली कंडीशन में आर इन टू एम जहाँ पे है सो ये यूजल मल्टीप्लीकेशन नहीं है इट इज़ स्केल आर मल्टीप्लीकेशन सो अगर कोई मैपिंग टी हमें मिल जाए जिस ने ये दो कंडीशन सेटिसफाई कर ली तो उसको हम बोलेंगे मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म और देखो अभी इफ़ एंड इफ कंडीशन है मींस अगर टी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है देन वो ऑटोमेटिकली ये दो कंडीशन सेटिसफाई करेगा एंड सेकेंड वन अगर ये दो कंडीशन सेटिसफाई होती है देन टी विल बी कॉल्ड होम मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म राइट एंड यहाँ पे एम एंड एच शुड बी आर मॉडल्स ओके सो अभी उस पर एक थियरम बेस्ड है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछी जाती है सो उसका स्टेटमेंट है इफ़ टी इज अ होमोरफिजम ऑफ एन आर मॉडल एम टू एन आर मॉडल एच देन वी नीड टू शो फर्स्ट टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो मीन्स टी मैप्स जीरो इन टू जीरो सेकेंड वन इज टी ऑफ माइनस एम इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ एम एंड थर्ड वन इज़

जब हम ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो दिखाएंगे तभी तो ये पॉसिबल होगा ना सो यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे सो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट सो यहाँ पे टी क्या है इट इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एम टू एच और एम और एच दोनों भी क्या है आर मॉड्यूल है और टी जो मैपिंग है वो क्या है होम है सो लेट टी इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एम टू एच बी अ होम मोरफिज़म मीन्स जो दिया गया है वो ही लिख रहे हैं हम यहाँ पे डैट इज़ अभी होमोआरफिज्म है मीन्स टी क्या सेटिसफाई करता है ये दो कंडीशन सेटिसफाई करता है सो so, हमने वो ही लिख लिया यहाँ पे इसको दे दिया फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो सो लेट जीरो इज इक्वल टू आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर हम ये जो ज़ीरो है वो किस वैल्यू पकड़ रहे हैं स्मॉल आर की एंड ये कहाँ बिलोंग करता है कैपिटल आर में यहाँ पे कैपिटल आर क्या है इट इज़ अ रिंग सो वी विल कंसिडर टी ऑफ जीरो इंटू एम लेफ्ट ये जो है हमने कंसिडर किया ओके सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ऑफ होमॉरफिजम आर क्या निकल जाता है बाहर निकल जाता है सो so, वैसे ही यहाँ पे ज़ीरो बाहर निकल जाएगा बिकॉज आर की वैल्यू क्या है ज़ीरो है सो so, ज़ीरो निकल गया बाहर बचेगा क्या टी इंटू एम

इक्वल टू जीरो दिखाएंगे राइट देन ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं ये सो so कंसिडर करते हैं ये टी ऑफ माइनस एम प्लस टी ऑफ एम सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ होमिज देखो क्या है टी ऑफ एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू दिस सो इसी के जगह पे हमने क्या लिखा टी ऑफ एम प्लस माइनस एम देखो राइट हैंड साइड ये है सो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में क्या है एम वन प्लस एम टू है सो so ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे एम प्लस माइनस एम मीन्स यहाँ का एम एंड यहाँ का माइनस एम उनकी एडिशन दिस इज़ बाय फर्स्ट कंडीशन सो एम माइनस एम क्या बन जाएगा ज़ीरो बन जाएगा सो so टी ऑफ ज़ीरो मिल जाएगा यहाँ पे सो टी ऑफ ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो होता है अभी अभी हमने प्रूफ किया बाय फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूफ किया सो so वहीं से लिखा सो so अगर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो है देन टी ऑफ माइनस एम इज़ इक्वल टू माइनस टी ऑफ एम हम लिख सकते हैं नाउ थर्ड वी नीड टू प्रूव डैट टी ऑफ एम वन माइनस एम टू इज दिस सो कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिया सो so इसी को हम कैसे लिख सकते हैं टी ऑफ एम वन प्लस ब्रैकेट में माइनस एम टू राइट सो so, अभी लगाते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म मॉर्फिजम टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सो टी ऑफ एम वन प्लस टी ऑफ माइनस एम टू ये वैसे के वैसे माइनस निकल जाएगा बाहर कैसे दिस इज बाय सेकेंड कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म मॉरफिजम यहाँ पर आर की वैल्यू आप माइनस वन समझो सो so माइनस निकाल देंगे बाहर मीन्स माइनस वन निकाल देंगे बाहर सो माइनस टी ऑफ एम टू बचेगा दिस इज बाय सेकेंड कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म सो यही प्रूफ करना था हमें देखो राइट right? सो so, बहुत इजी है ये थेम एंड पूछी जाती है एग्जाम में सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल एंड गिव दिस वीडियो थम्स अप थैंक यू